अब हम देखते हैं जीवों में श्वसन। क्योंकि श्वसन को हमने काफी पहले भी डिस्कस कर लिया है कि श्वसन क्या होता है, वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्यों होता है, श्वसन की हमें जीवों में क्या जरूरत है, इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो जो जीवों में श्वसन है यह एक बहुत ही जरूरी जीवों में श्वसन। जीवों में जो श्वसन की हम बात कर रहे हैं कि जीवों में श्वसन एक बहुत ही, या मैं बोल सकता हूं कि नेसेसरी या इसेंशियल एक लाइफ प्रोसेस है या एक जैव प्रक्रम है, बहुत जरूरी जैव प्रक्रम इसलिए कहता हूं क्योंकि आदमी भोजन के बिना उस दिन तक जीवित रह सकता है, लेकिन बिना ऑक्सीजन के कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन हमें श्वसन के द्वारा प्राप्त होती है, तो यह क्रिया सभी जीवों के लिए बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण है। हमने पिछले चैप्टर में पोषण की बात की थी, पोषण जीवों की वृद्धि के लिए और ऊर्जा के लिए जरूरी तो है, लेकिन इसके बिना कुछ दिन तक हम काम चला सकते क्योंकि शरीर में जो संचित ऊर्जा है इसका उपयोग हम कुछ दिन कर सकते, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है कि जिसको हम संचित करके भी ज्यादा नहीं रह सकते, तो इसलिए हम बिना श्वसन का कोई जीव जीवित नहीं रह सकता। अब चूंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जीवों में श्वसन, तो जीव सभी आते हैं। अब हम देखो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को कवर करके करना पड़ता है। हमने यहाँ पे ह्यूमन के जो लंग्स है, जो फेफड़े हैं, इसका डायग्राम जरूर बना लिया है, लेकिन हमें इनको बताने के पहले हमें उन जीवों की भी चर्चा करना पड़ेगा क्योंकि हम बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं। तो सारे जीवों का हमें थोड़ा थोड़ा वर्णन हमें यहाँ पे करना है। जैसे जीवों की हम बात करें तो सबसे पहले तो हम पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं। पेड़ पौधे इसमें किस प्रकार का श्वसन होता है। दूसरी चीज हम फिर सरल जीवों की बात कर लेते हैं, जैसे अमीबा की बात कर लेंगे, अमीबा में किस प्रकार का श्वसन होता है, कुछ बात कर लेंगे पेरामेसियम। तो इस प्रकार कुछ जीवों की बातें हम करते रहते हैं, पेरामेसियम इस प्रकार हम बात कर लेते हैं। जैसे कुछ और सरल जीव जैसे काकरोच की बात कर लेंगे, इसी प्रकार हम बात कर लेंगे मान लो कि मछलियों की बात कर लेंगे। इसी प्रकार हम इसके बाद हम हायर कैटेगरी में आएंगे, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मानव में हम देख लेंगे कि किस प्रकार की श्वसन क्रिया होती है। तो चर्चा करते हैं पेड़ पौधे। पेड़ पौधों को हम ये जानते हैं कि पेड़ पौधे जो है यह ऑक्सीजन छोड़ते हैं और क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस मालूम है कि जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए यह जरूरी होता है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है और ऑक्सीजन यह रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन उससे बनती है। लेकिन आपको पता है कि पौधों में भी ऑक्सीजन का ग्रहण होता है श्वसन क्रिया के लिए, या श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन यह भी पौधे भी ग्रहण करते हैं। हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है सभी जीवों के लिए जरूरी होती है। पौधे जो होते हैं यहाँ पे यह ऑक्सीजन जो है यह पत्ती की बात कर रहे हैं, हम तने की बात कर रहे हैं, हम रंध्रों की बात कर रहे हैं, हम जो इनमें एयर स्पेस पाया जाता है, या जिसको हम बोल सकते थे कि इनमें जो वायु कोष पाए जाते हैं उसके द्वारा यहाँ पे वायु का आदान प्रदान होता है। और इनमें पौधों में एयर स्पेस वायु कोष तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है यह विसरण विधि के द्वारा होता है। मिश्रण विधि को शायद 9th क्लास में आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, हमने भी 9th क्लास में इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि पदार्थों का आदान प्रदान किस प्रकार से यहाँ पे मिश्रण विधि के द्वारा होता है। जो मिश्रण विधि होती है इसमें पदार्थ क्या होते हैं, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, तो इसको हम मिश्रण विधि कहते हैं। तो
पौधों में पत्ती तने रंध्रों तथा वायु कोशों के द्वारा गैसों का आदान प्रदान होता है, जड़ों के द्वारा होता है। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे वायु का आदान प्रदान, पौधों के विभिन्न भागों से वायु का आदान प्रदान होता है। और चूंकि पौधों की जड़ों के द्वारा जो उसमें हेयर रूट होते हैं, पौधे में आपने देखा होगा किस प्रकार से जड़ों में कई प्रकार के ऐसे रूम निकल जाते हैं, तो मिट्टी में जो घुली ऑक्सीजन होती है यहां से यह ग्रहण करके पौधों के अंदर यह ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है। उसी प्रकार आपने पुराने पौधे देखे होंगे, उनकी जो बार्क या जो छाल होती है उसमें कुछ लेंटिस होते हैं, या जिसको हम बोल सकते हैं कि जो ये वायु रंध्र होते हैं, इसके द्वारा भी गैसों का आदान प्रदान यहाँ से होता है। चूंकि पत्तियों के द्वारा इसमें स्टोमेटा पाए जाते हैं, तो यहाँ भी गैसों का आदान प्रदान इसके द्वारा होता है। तो पौधे में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है यह उसकी स्थिति पर निर्भर करता है। जैसे दिन के समय जब यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, पौधे क्या करते हैं, दिन में सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आपने देखा होगा कि पौधे जो है यह काय का यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इनको रिक्वायरमेंट होती है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, जो इनके द्वारा पौधों के द्वारा जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड श्वसन क्रिया में द्वारा जो मुक्त होती है वही उसका उपयोग कर लेती है। तो इस प्रकार से पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड इस प्रकार से कोई रिलीज नहीं होती, इस समय ऑक्सीजन जो निकलती है वही प्रमुख इसका आधार होता है। तो रात्रि के समय इसका एक विपरीत हो जाता है, इसमें श्वसन क्रिया बदल जाती है। रात्रि के समय क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज नहीं होती, तो ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑक्सीजन अंदर से निकलती है, तो उस समय पौधे रात्रि में क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार जो पौधों में श्वसन क्रिया होती है वह उसकी स्थिति के अनुसार बदलती रहती है। दिन में इनमें श्वसन कुछ अलग प्रकार का होता है और रात्रि में इसमें श्वसन क्रिया कुछ अलग प्रकार की होती है। तो इस प्रकार पौधों में यह सरल मिश्रण विधि के द्वारा होता है। और स्टोमेटा की तो हमने चर्चा कर ली थी कि स्टोमेटा जो होता है यह प्रमुख इनका श्वसन के आदान प्रदान का स्थान होता है। इस प्रकार से क्या होता है, ये गांठ या रक्सी कोशिका जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ये हम बात कर रहे हैं इसमें फ्लोरोप्लास्ट है। तो यहाँ पे जो रक्षक कोशिका है जिसको हम रक्सी कोशिका बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्सी कोशिका, या इसको गांठ सेल भी बोलते हैं। इसके द्वारा जब ये फूल जाती है तो स्टोमेटा खुल जाते हैं, और जब ये सिकुड़ती है तो स्टोमेटा बंद होती है। तो प्रमुख रूप से जो गैसों का आदान प्रदान होता है यहाँ पे स्टोमेटा के द्वारा होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी यह मिश्रण विधि के द्वारा ही होता है। तो ये हो गए पौधों की बात। अब हम इसके आगे देख लेते हैं कि अमीबा में और पैरामेशियम में किस प्रकार से श्वसन क्रिया होती है। तो अमीबा जैसा कि सरल जीव है, एक कोशिकीय जीव है, इनमें सारी जो जैविक प्रक्रम होते हैं वह एक कोशिका के अंदर ही होते हैं। तो अमीबा में क्या होता है कि ये इसकी बाहरी झिल्ली या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा यह क्रिया होती है। जब इनमें कोशिकीय श्वसन होता है तो कोशिकीय श्वसन के दौरान इनके शरीर में क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण इनकी कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है। तो सांद्रता का अंतर बाह्य वातावरण के अंतर से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, तो यहाँ पे पदार्थ हमने सुना बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने के कारण यह इधर कम सांद्रता वाले क्षेत्र में आ जाएगी, क्योंकि पदार्थ विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएगी। उसी प्रकार अगर यहाँ पे सेल में अगर बात करें तो ऑक्सीजन की सांद्रता कम होगी, बाह्य वातावरण में ऑक्सीजन की सांद्रता अधिक है, तो बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे अंदर आ जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे सांद्रता के अंतर के कारण विसरण विधि के द्वारा प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से यहाँ पे श्वसन क्रिया होती है। उसी प्रकार हम पैरामेशियम की बात कर लेते हैं, तो पैरामेशियम में भी सेम ऐसी प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के सांद्रता, इसमें भी सांद्रता के अंतर के कारण यह विसरण विधि के द्वारा यह क्रिया होती है। क्योंकि यह जलीय जीव है पैरामेशियम, तो जल में घुली जो ऑक्सीजन होती है यह विसरण विधि के द्वारा इनमें आदान प्रदान गैसों का होता है। तो यह एक सिंपल मेथड होती है, क्योंकि इनमें कोई अंग या अंगतंत्र जैसी चीजें नहीं होती है, इनका शरीर पूरा एक कोशिका का बना होता है, तो इस प्रकार से इसमें श्वसन क्रिया होती है। उसी प्रकार हम बात कर लेते हैं काकरोच की।
कॉकरोच क्या होता है? आपने देखा होगा किचन विचन में कॉकरोच काफी मात्रा में पाए जाते हैं, जहां पे खाने की उपस्थिति या खाना पड़ा रहता है वहां क्षेत्र में आपको इसको घूमते हुए देखा होगा। क्योंकि यह कॉकरोच जो है आर्थ्रोपोडा संघ का प्राणी है और काफी डेंजर, मतलब ये होता है कि इसकी उपस्थिति आपने देखा होगा कि यहाँ पुरानी चीजें पड़ी हो या कूड़ा करकट पड़ा हो, इस स्थानों पर इनकी अधिकता पाई जाएगी। तो इसमें जो कॉकरोच होता है, इस कॉकरोच में जो श्वसन अंग होता है हम इसको ट्रेकिया, और यह ट्रेकिया जो होता है स्पाइरिकल्स के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसमें भी गैसों का आदान प्रदान जो होता है स्पाइरिकल्स के द्वारा होता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि कॉकरोच का जो प्रमुख ट्रेकिया और इस स्पाइरिकल्स के द्वारा, इसमें देखो हमें बहुत ज्यादा इसमें डेप्थ तक में जाने की जरूरत नहीं है, अगर पूछा भी जाएगा आपको तो इसके श्वसन अंग के बारे में ही बात होगी कि कॉकरोच में प्रमुख श्वसन अंग क्या है। तो हम बता सकते हैं कि ट्रेकिया के द्वारा यहाँ पे ऑक्सीजन ली जाती है और स्पाइरिकल्स के द्वारा इसमें बाहर निकाल दी जाती है। इनके शरीर में पूरे ऊपर जो क्यूटिकल्स होता है उसका बना हुए ऐसे छोटे छोटे एयर स्पेस होते हैं जिसको कि हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। उसी प्रकार अगर हम मछलियों की बात करें तो मछलियों के बारे में तो सुना ही है कि मछली जल की रानी होती है, यह बिना पानी के जीवित नहीं रह सकती, इनका शरीर जो होता है स्केल्स के द्वारा घिरा होता है। तो वह चर्चा आपने 9th में बायोडायवर्सिटी में भी इसकी की थी। चूंकि मछलियों का प्रमुख श्वसन अंग जो होता है यह गिल्स के द्वारा श्वसन करते हैं, इनके माउथ के पास में यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे गिल्स पाए जाते हैं और उस गिल्स के ऊपर ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा होता है। तो यह जल में घुली ऑक्सीजन, जो जल की घुली ऑक्सीजन होती है इसका उपयोग यह करते हैं। जो पानी होता है पानी वायु धारा के साथ में या जल धारा के साथ में इनके जो गिल्स होते हैं उसकी गिल्स प्लेट्स के ऊपर से बहता है और वहां पे ब्लड कैपिलरी का जाल बिछा होता है। तो यहाँ पे भी मिश्रण विधि के द्वारा इनमें श्वसन क्रिया होती है, उस ऑक्सीजन का उपयोग अपने श्वसन क्रिया में कर लेते हैं और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही गिल्स के द्वारा ही शरीर से बाहर निकाल दी जाती है। उसी प्रकार मेंढक वगैरह की बात करेंगे तो मेंढक में भी क्या होते हैं, लंग्स होते हैं और लार्वा अवस्था में इसमें भी गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, कुछ श्वसन इसमें त्वचा के द्वारा भी होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग जीवों में श्वसन की क्रिया जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। अगर हम बात करें मानव की, मानव एक विकसित वेल पूरा विकसित प्राणी है, या मैं बोल सकता हूँ कि एक जटिल प्राणी होता है, इसमें सुविकसित प्रकार के श्वसन अंग पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे शरीर जो है यह लाखों कोशिकाओं का बना होता है, तो इतना बड़ा शरीर होने के बाद यहाँ पे मिश्रण विधि काम करने वाली नहीं है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए। तो पूरा शरीर वायु के संपर्क में नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऊतक अंग और अंग तंत्र जैसी बात होती है। तो यहाँ पे एक श्वसन तंत्र की हम बात करते हैं कि मानव में एक सुविकसित प्रकार का श्वसन तंत्र पाया जाता है जिसके द्वारा इसमें जो श्वसन क्रिया होती है। इसका प्रमुख श्वसन अंग जो होता है जिसको कि हम लंग्स या फेफड़ा कहते हैं।